वेलकम बैक एलएचटीवी इंडिया के एक नई वीडियो में। मौसम को लेकर अभी एक फिर ताजा खबर निकल कर आ रही की यूपी वेदर फोरकास्ट उत्तर प्रदेश में इस सप्ताह जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल, तापमान में कितनी होगी गिरावट, किन किन इलाकों में अब फिर मौसम विभाग ने बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई है। वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, एंड तक देखें। और चैनल पर आओ पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसम समाचार में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस सप्ताह अलग अलग जिलों में बारिश होगी। हालांकि इस सप्ताह ज्यादातर जिलों में मौसम साफ रहने की भी संभावना है, लेकिन आईएमडी की माने तो अगले 24 से 36 घंटे तक राज्य के कुछ जिलों में फिर से भारी बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है। वहीं आज पूरे दिनों में आपको बता दें कि कई जिलों में मौसम साफ रहेगा, कुछ जिलों में घना कोहरा छाने की भी संभावना मौसम विभाग जता रहा है। मौसम विभाग के अनुसार कल एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इसका हल्का असर राज्य के पश्चिमी हिस्सों में पड़ सकता है। पछुआ हवाओं के कारण ये उत्तर से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गया है। इसके कारण आने वाले तीन दिनों में पारा 2 से 3 डिग्री तक और गिर सकता है। हालांकि ज्यादातर जिलों में मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, तेज धूप निकलने की भी संभावना है। वहीं मौसम विभाग की माने तो अगले 4 से 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे लगभग 2 डिग्री तक की और गिरावट होने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट होने की संभावना है। उसके बाद न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। बीते सप्ताह हुई बारिश की अगर बात करें तो राज्य में सबसे ज्यादा बारिश सोनभद्र में हुई। वहीं आज राजधानी लखनऊ और प्रयागराज में भी आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। कहीं हल्की कहीं छिटपुट बारिश देखने को मिलेगी, कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की भी बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। वहीं राज्य में बीते कुछ समय पहले बरेली सबसे ठंडा जिला रहा, यहाँ न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज लखनऊ का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है। इसके अलावा अगर बात करें प्रयागराज में न्यूनतम तापमान की तो यहां 12 से 13 डिग्री सेल्सियस, गोरखपुर में 14 डिग्री सेल्सियस, मेरठ में 18 डिग्री सेल्सियस और वाराणसी में 14 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस साल उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में कम ठंड पड़ेगी। यूपी में घने कोहरे भी कम रहेगा। यहां दिन के वक्त मौसम लगभग साफ रहने की संभावना है। आज अगर नोएडा की अगर बात करें तो नोएडा में अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान यहां 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार है। जबकि दूसरी ओर आज भी दक्षिण में बरसात होने के आसार है, जिसमें यहां का मौसम बिगड़ेगा। मौसम विभाग ने केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, लक्षद्वीप, रायलसीमा और नागालैंड में हल्की से मध्यम बारिश की आशंका अब फिर व्यक्त की है। वहीं पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी आसमान में बादल छाए रहेंगे। जबकि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, गोवा, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी में मौसम ड्राई और हिमाचल, उत्तराखंड और में बर्फबारी और बारिश होने की आशंका व्यक्त की है। वीडियो के आखिर में आपको बता दें कि आईएमडी के अनुसार यूपी के कई शहर ऐसे हैं जहां न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसमें से बरेली सबसे ज्यादा ठंडा पाया गया। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कल से मौसम में और बदलाव होगा, जिससे ठंड बढ़ेगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजा तरीन मौसम की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब